जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे कमर्शियल कोर्ट और उसके रूल्स पर। भारत में और पूरी दुनिया में बिजनेस एक बड़ा और अलग सेक्टर होता जा रहा है और लगभग बन गया है। तो भारत में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक विशेषाधिकार के रूप में कमर्शियल कोर्ट जैसी व्यवस्था की गई है, जहां जल्दी से जल्दी उनके मामले को सुलझाया जा सके एक टाइम फ्रेम के अंदर, और उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़े या कहीं रुक नहीं पाए। हमारा मकसद सिर्फ यह समझाने का होता है कानून की बात में, सिर्फ इतना भर कि कानून क्या कहता है, कानून ने जिन चीजों को बनाया उन चीजों से आप कैसे लाभ ले सकते हैं, कानून को कैसे अपने फेवर में ले सकते हैं, और जहां आपको लगे कि यहां पर सिर्फ इसलिए हमको रुक जाना पड़ रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास पहुंच नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए हर बार हर एपिसोड में हम आपको बताते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकार के जितने दफ्तर हैं स्टेट लेवल से लेकर के जिला लेवल तक, सब डिवीजन लेवल तक, जहां जहां कोर्ट है सारी जगह व्यवस्था है। इसके अलावा पंचायतों में, बड़े बड़े अस्पतालों में भी लीगल क्लिनिक है, यूनिवर्सिटीज में लीगल क्लिनिक है, उन सब जगहों पर जाकर के जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं वहां से इस तरह के काम में सलाह ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। कमर्शियल कोर्ट थोड़ा भिन्न है, इसके बारे में हम आपके साथ अपने एक्सपर्ट्स के से चर्चा करेंगे। वो भिन्न ये है कि उसकी पहुंच भी है, उसके पास पूंजी भी है। यह बनाने के पीछे, इस बनाने का क्या महत्व है, क्यों बनाया गया? अब साधारण कोर्ट्स में जो ये मामले चल रहे थे अपने ढंग से, जिस तरह दूसरे मामले चलते हैं, इस मामले की भिन्नता क्या होगी, आइए इस पर हम आज बात करते हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज पीके सिन्हा साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार। ये कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट और रूल, ये तीनों तीन चीज है। एक एक्ट से कमर्शियल कोर्ट बना, उसके लिए रूल्स बने। ये कमर्शियल कोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कब इसका एक्ट आया और आगे क्या चल रहा है? कमर्शियल कोर्ट्स बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत तेजी से अभी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसमें भारत को कम्पीट करना है वर्ल्ड ऑर्डर में। उसको कम्पीट करने के लिए भारत को अपने न्याय व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें कि जो भी बिजनेस क्लास हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं या जो यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई। अगर कोई आती है तो उनको एक टाइम फ्रेम में उनका निपटारा कर दिया जाए। इसके लिए भारत में कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 लाया गया, जो अभी फिलहाल लागू है। इसमें फिर एक अमेंडमेंट 2018 में आया। पूर्व में ये कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट जो आप 2015 में देख रहे हैं, पूर्व में ये पांच ही जगह थे, यानी जहां के उच्च न्यायालयों को डायरेक्ट सिविल जुडिक्शन था, यानी दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास एंड हिमाचल प्रदेश, पांच इनको डायरेक्ट जुडिक्शन था। तो वहाँ ये लोग कमर्शियल का केस डायरेक्ट फाइल होते थे, वहाँ पर कमर्शियल कोर्ट्स नहीं थे। लेकिन 2015 का जब आया एक्ट, इसमें ये प्रावधान हुआ कि कमर्शियल कोर्ट्स बनाए जाएं, और फिर 2018 में अमेंडमेंट किया गया कि नहीं, सभी जगह हर एक जिला में
कमर्शियल कोर्ट्स की स्थापना की जाए, और ऐसे जगहों पर भी स्थापना होगी जहां उच्च न्यायालयों को लगता है नहीं, उच्च न्यायालय पहले से उनको माने सिविल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन प्राप्त है, यानी बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास एंड हिमाचल प्रदेश। आज वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल कोर्ट की स्थापना की गई है। जहाँ तक मुझे याद है कि पहले सिविल कोर्ट हुआ करता था, सिविल कोर्ट के साथ लेबर कोर्ट हुआ करता था। सिविल कोर्ट और लेबर कोर्ट जो है ये हुआ करते थे। उसमें कई तरह के एक्ट्स थे, उस एक्ट्स में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये क्या नाम है, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सोप एंड ये क्या नाम है, एस्टेब्लिशमेंट पेंशन, ये सारा कुछ। तो जब मामले होते थे तो उन मामलों के लिए जो बिजनेसमैन थे, जो लेबर थे, वो लेबर कोर्ट में जाते, बिजनेसमैन सिविल कोर्ट में आते थे। सिविल कोर्ट में नहीं आकर के सिविल कोर्ट से अलग उनकी व्यवस्था करने के पीछे क्या मामले को जल्द से जल्द निपटाने का, टाइम फ्रेम के अंदर निपटाने का, ऐसा भी कुछ है क्या एक्ट में और रूल में? देखिए, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स डिफाइन किया गया है कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर का नहीं, कॉमर्शियल एक्ट 2015 में। उसमें करीब करीब 22 ऐसे बिंदु हैं जिसको माना जाएगा कि ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। और आपने जितना बोला उसमें अगर कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स है तो वैसे केसेस भी यहाँ पर दाखिल हो सकेंगे। कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, जैसा मैंने पहले कहा कि कॉमर्शियल एक्ट इसलिए लाया गया कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिल सके, जो कि साधारण कानून में संभव नहीं है। ये जल्द से जल्द की परिभाषा बहुत गड़बड़ है। जल्द से जल्द का मतलब कि साल में, 6 महीने, एक टाइम फ्रेम, उसके लिए एक टाइम फ्रेम करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसमें अगर कॉमर्शियल एक्ट को हम लोग देखें तो इसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो संभवतः भारत में पहली बार किए गए हैं, जैसे प्री मेडिएशन, बिफोर फाइलिंग ऑफ द केस, नंबर वन। नंबर सेकंड, अमेंडमेंट इन सीपीसी फॉर कमर्शियल कोर्ट्स, दैट इज डिफाइंड इन कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट इटसेल्फ। फिर है इसमें अब एक पहली बार इंडिया, भारत में ये लाया गया कि कोर्ट मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट को इसमें दिया लाया गया, जिससे कि पीओ जो न्यायाधीश होंगे उनको ये उसमें पावर है कि किस तरह से वो एक्सपीडिशस इसका ट्रायल करेंगे। सभी को टाइम फ्रेम में बांध दिया गया है। आपको याद होगा कि पहले भी सीपीसी में अमेंडमेंट आया था और उसमें कहा गया था कि 90 डेज में आपको ये दे देना है, जवाब दे देना है, लेकिन 90 दिन के बाद भी WS पढ़ने लगे, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि नहीं, ये 90 डेज जो है वो मैंडेटरी नहीं है, इसलिए वो दे सकते हैं। इसमें ये प्रावधान किया गया कि 30 डेज अपीयर करने के बाद 30 दिन के भीतर कमर्शियल कोर्ट्स में अपना जवाब देंगे, अगर नहीं दाखिल करते हैं तो कुछ अपना जो एक टाइम पिटिशन अगर देते हैं तो अपना दिखलाएंगे कि क्यों नहीं दाखिल किए हैं, और उसके आधार पर कोर्ट उनको कॉस्ट लगाते हुए या जो भी सोचते हुए 120 दिन का समय देगी। अगर 120 डेज के बाद वो जो डिफेंडेंट हैं
वो WS नहीं फाइल कर सकेगा। ये यहां पर उसी को देखते हुए कि 90 दिन के बाद भी लोग फाइलिंग हो रही थी, यहां उसको डिबार कर दिया गया। स्पेसिफिक डिबार है कि वो आफ्टर 120 डेज आप नहीं फाइल कर सकते। बहुत बड़ी चीज है। ये जो आप प्री मीडिएशन कह रहे हैं, प्री मीडिएशन क्या है और क्या प्रक्रिया है इसकी? प्री मीडिएशन में वो कैसे जाएगा? आमतौर पर लोग कोर्ट्स जाते हैं और कोर्ट तय करता है कि इसको दोनों के पक्ष से पूछ करके किसको मीडिएशन में भेज देते हैं। कुछ मामलों में कोर्ट कंपल्सरी कर देता है कि इसको आपको मीडिएशन में जाना पड़ेगा, वहां जाकर करिए जी। तो ये कमर्शियल वाले मामले में, कमर्शियल में इसलिए प्री मीडिएशन को लाया गया जिससे कि आप अगर समझते हैं कि मैंने इस सुलझ जाएगा तो कोर्ट का प्रोसीड्योर से आप बच जाएंगे, इसके लिए भी ये जरूरी समझा गया। खासकर कमर्शियल में ज्यादातर तो मैथमेटिकल आंकड़े होते हैं और कुछ इंजीनियरिंग, कुछ ये माने तो टेक्निकल मैटर्स होते हैं, तो इसलिए भी मीडिएशन में इसे समझा गया कि अधिक अच्छा है कि वहां सुलझ जाए। और कमर्शियल एक्ट में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है 1995, उसके तहत भी जो भी होंगे और उसमें अगर कमर्शियल का कोई बिंदु है तो वो भी देखने का पावर कमर्शियल कोर्ट्स को ही है दिया गया है। इसमें वो सभी ट्रांसफर हो जाएंगे कमर्शियल कोर्ट्स में वैसे केसेस भी। तो प्री मेडिएशन जो आपने पूछा, प्री मेडिएशन में मान लीजिए कोई पक्ष जाना चाहता है तो वो जाना चाहते कि जाना पड़ेगा, दोनों बात है। आप माने अगर आपको बहुत इमरजेंट कोई ऑर्डर चाहिए तब तो विथ लीव ऑफ द कोर्ट विदाउट गोइंग फॉर प्री मीडिएशन आप केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर नहीं, साधारणतया नहीं, साधारणतया में आपको ये करना पड़ेगा, प्री मीडिएशन जाना ही पड़ेगा। उसकी प्रक्रिया ये है कि आप अपने संबंधित जिला सचिव जो डालसा के होते हैं उनके यहाँ एक आवेदन दें, उसमें संबंधित बातें आप लिखें और 1000 का आपको बैंक ड्राफ्ट के साथ वो फाइल करना है, वो फाइल करेंगे। उसके आधार पर सचिव साहब आप नोटिस निर्गत करेंगे अपोनेंट को, वो अपीयर करते हैं। अगर नहीं अपीयर करेंगे तो नॉन स्टार्टर में चला जाएगा। अगर अपीयर करते हैं तो उनको अपना जवाब और कंसेंट देना पड़ेगा, रिटेन कंसेंट देना पड़ेगा कि यस हम मीडिएशन में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर वे देते हैं कि हाँ हम मीडिएशन ज्वाइन करेंगे तो उनको एक कमर्शियल एक्ट में ही एक शेड्यूल है जिसके आधार पर आपको कोर्ट माने फीस अदा करनी होगी। तो 3 लाख से एवं करोड़ भी है, तो हर एक पर उसका स्लैब बना हुआ है, उसी आधार पर आपको देने होंगे। तो उसके जो भी स्लैब में है, मान लीजिए 3 लाख का डिस्प्यूट है आपको, हाँ, उस पर डिपेंड करता है तो उसके आधा आधा दोनों पक्ष पर बट जाएंगे, आधा वो देंगे आधा वो देंगे। जब ये पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद वो मेडिएशन सचिव साहब एक मेडिएटर की नियुक्ति करेंगे और वहाँ पर केस उनकी चली जाएगी। वहाँ मेडिएटर अपना मेडिएशन का जो भी प्रोसेस है उसको वो फॉलो करेंगे। विद इन 3 मंथ्स उनको देना है, लेकिन वो दो महीना और ले सकते हैं, यानी 5 महीना में आपको कर ही देना है, रिपोर्ट कर देना है। अब हम ये जानते हैं कि एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं कि आम तौर पर जो बिजनेस है, फैक्ट्रीज है, उसमें पार्टीज के एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ या दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट होते हैं, MOU होते हैं, जिसके तहत दोनों के लिए शर्तें होती है कि इन शर्तों का अनुपालन। इसी तरह के मामलों में शर्तों का उल्लंघन करना, अगर कोई पार्टी शर्त का उल्लंघन करता है, इससे इसको नुकसान हो रहा है या इसके काम में बाधा पहुंची, तो उस तरह के मामले जाएंगे इस कमर्शियल कोर्ट में या और कोई मामला हो सकता है? सपोज कि कोयला सप्लाई होना है,
सपोज कि डीजल मिलना है, इसके लिए पार्टी से एग्रीमेंट हुआ, प्रॉपर वो डीजल नहीं दे पा रहा, प्रॉपर कोयला नहीं दे, ईंधन की बात अगर हम करें, या कच्चा माल जो भी है कच्चा माल नहीं दे रहा, जो माल बन गया उसके लिए जो एमए हुआ उसको उठा के ले नहीं जा रहा है, इस तरह की परिस्थितियों में वो कमर्शियल कोर्ट में जाएंगे, या और कोई मामले हो सकते हैं जिसमें कि लेबर का मामला हो सकता है, लैंड एक्विजिशन का मामला हो सकता है, ये क्या नाम है, सिक्योरिटी का मामला हो सकता है? वो देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट्स में वो फाइनेंशियल कुछ हो सकता है, इंश्योरेंस से संबंधित हो सकता है, गुड्स सर्विसेज से हो सकता है यानी ट्रांसपोर्टेशन, और अदर मर्केंटाइल लॉ जो है वो कवर करेगा पूरा। और सर्टेन वही हमने बताया कि 22 जो उसमें क्लॉज है उसमें वो डिफाइन है, उसके अंतर्गत वो आते हैं तो उसको कमर्शियल डिस्प्यूट माना जाएगा, तभी ये कमर्शियल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बनेगा, अदरवाइज नहीं। दो चीज क्लियर करना चाहते हैं अपने दर्शकों को, एक तो है आपका कंज्यूमर फोरम है, दूसरे अस्थाई लोक अदालत है। कंज्यूमर फोरम से यह नाम सुन के ही लगता है कि कंज्यूमर के लिए बना है, जो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन फैक्ट्री कंज्यूम भी करती है और वो कंज्यूम करके उसके बदले में आउटपुट भी देती है, तो उस तरह के मामले कंज्यूमर कोर्ट में तो नहीं जाएंगे तब, या अस्थाई लोक अदालत में नहीं जाएंगे, सिर्फ कमर्शियल कोर्ट में ही जाएंगे अगर कंज्यूमर के, लेकिन कंज्यूमर का मामला जुड़ता है तो कंज्यूम तो किया उसने, माल मंगाया, माल उसका रद्दी निकल गया, तो माल रद्दी निकल गया वापस करने के लिए बात कर रहा है तो कंज्यूमर तो है नहीं, नहीं तो वो तो जाएगा कमर्शियल कोर्ट में। क्या कमर्शियल डिस्प्यूट में अगर कवर करेगा तो जरूर जाएगा, अगर एग्रीमेंट में कुछ आप माने गड़बड़ी पाया और उसके चलते उसको लॉस हुआ तो जरूर वो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में आ जाएगा। इंश्योरेंस में आमतौर पर होता है कि इंश्योरेंस करते समय, इंश्योरेंस कराने के लिए इंश्योरेंस जो पार्टी है, एजेंसीज है, वो बहुत तरह के सपने दिखाती हैं, लेकिन इंश्योरेंस जहां प्रीमियम आपने भर दिया उसके बाद वो दादागिरी शुरू कर देती है। तमाम इंश्योरेंस कंपनी का जो हमारा अपना अनुभव रहा है, जो निपटाया है, वैसी स्थिति में उस तरह के मामलों को लेकर के भी वो जा सकते हैं। हाँ एकदम आ सकते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स में वो आ सकते हैं। अब जैसे ये आपने गुड्स ये क्या नाम का मामला किया कि माल सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, किसी पार्टी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि हमको इतनी गाड़ियां चाहिए, इतने माल उठाने हैं, लाने हैं, ले जाने हैं, उस मामले में वो कोई गड़बड़ी कर रहा है और गड़बड़ी की शिकायत करने पर वो सुन नहीं रहा है, कोग्निजेंस नहीं ले रहा है, तो उस तरह के मामले उसे अगर इनको लॉस हुआ ये हुआ तो वो कमर्शियल कोर्ट से देखेगी। कमर्शियल कोर्ट के लिए जब एक्ट बना अलग, तो उसके लिए यह जरूरी समझा गया क्या कि संबंधित जिस न्यायाधीश को यह दिया जाएगा या जो लोग इसमें शामिल होंगे इस मामले को निपटाने के लिए, उनको ट्रेन करना पड़ेगा अलग से? उसका प्रावधान है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में ही प्रावधान किया गया है, जो भी न्यायाधीश गण होंगे या जो भी अदर स्टाफ उनके रहेंगे उनको एक ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, उनको देना होगा, और गवर्नमेंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका एक सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सभी कामकाज करने के लिए जो भी सुविधाएं उनको देना पड़ेगा, वो एक्ट में ही व्यवस्था है। स्टेजेज क्या क्या होंगे इसका, अगर वो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से किसी पक्ष को समझौते से या जो अवार्ड होता है उस अवार्ड से सहमति नहीं होती है, तो अपील के स्टेजेस क्या होंगे? वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है इसका, या कमर्शियल कोर्ट का ही दूसरा डिवीजन है जो ऊपर में है, फिर तीसरा डिवीजन है जो ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट की तरह से? हाँ तो कमर्शियल कोर्ट से देखिए जिला न्यायालय में जो भी कमर्शियल कोर्ट्स हैं उनको कमर्शियल डिजिग्नेट कहा गया, डिजिग्नेट किया गया ठीक है ओके, लेकिन जो भी हाई कोर्ट्स में हैं उनको कमर्शियल डिवीजन बोला गया ठीक है वहां पर, तो दोनों में यही फर्क है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अपील जाता है वो भी डिवीजन ही कहलाएंगे ठीक है, और ये जो है अपीलेट अथॉरिटी वहां होगा उनके पास, वो देख सकते हैं अपीलेट, उसका जो पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन है उसके आधार पर अपील फाइल होंगे या अपील एडमिट होंगे। अपील करने की अवधि आपको जजमेंट से 60 डेज है, और सबसे बड़ा दायित्व है कि फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील
विद इन सिक्स मंथ द अपील शुड बी डिसाइडेड। अच्छा, ये इसमें स्पेसिफिक प्रावधान है, इसीलिए हमने कहा कि इसमें हर एक जगह पर टाइम बाउंड टाइम फ्रेम कर दिया गया है। जैसे ट्रायल कोर्ट कमर्शियल कोर्ट्स के यहाँ आप गए तो पार्टी अपीयर कर गई, वो अपना जवाब दे दिया जी। जवाब देने के बाद दोनों में जो भी एडमिशंस और ये होते हैं उनका क्या चीज आप मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं, ये जब खत्म हो गया तब तो उसके बाद कोर्ट ये केस मैनेजमेंट स्टार्ट होगा। केस मैनेजमेंट में कोर्ट देखेगी कि हमको कितने विटनेस की आवश्यकता है, कौन सारे डॉक्यूमेंट्स कितने समय में हम एग्जामिन कर लें, विटनेस कितने समय में उनको रिटेन नोट्स ऑफ आर्गुमेंट दे देना है, कितने दिन में, छह महीने जो छह महीने में ही मैनेजमेंट करना है कि आपको कितना दिन में ही बाकी सारा काम करना है। ये केस मैनेजमेंट के बाद जब वो आ जाएगा स्टेज जहां से कोर्ट केस मैनेजमेंट फॉलो करेगी, अच्छा, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू, तो उसके बाद वो केस मैनेजमेंट फॉलो करेगा और वहां से केस मैनेजमेंट जब फॉलो करेगा तो विद इन वहां से सिक्स मंथ में उसको जजमेंट कर देना होगा। तो उसी तरह से वो फ्रेम करेगा। यहां आपको पार्टी को आज़ादी नहीं है कि हम 20 गवाह देंगे 40 गवाह देंगे, ये कोर्ट अपना उनका जो एफिडेविट आएगा उसको वो देख करके डिसाइड कर सकती है कि हमको इतना ही की आवश्यकता है या जो भी आवश्यकता है। और ये भी इसमें दिया गया है कि कोर्ट स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है, उसका एफिडेविट मान लीजिए बहुत लंबा है इसका कोई जरूरत नहीं है, उसको काट सकती है। ये सब प्रावधान आपको सीपीसी में नहीं है, इसमें लाया गया है टू कट शॉर्ट करने के लिए। प्लस है एक सबसे बड़ा चीज है कि इंटरलॉकेटरी ऑर्डर जो भी कोर्ट पास करेगी इसका कोई रिवीजन अगर लाई करता है या अपील लाई करता है कहीं ऊपर के कोर्ट न्यायालय में, वो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बाइंडिंग है। और लोक अदालतों के अवार्ड होते हैं लगभग उसी टाइप का है कि इसकी बाइंडिंग है उसके नहीं, इंटरलॉकेटरी ऑर्डर यानी ड्यूरिंग ट्रायल कोई ऑर्डर कोर्ट ने पास किया तो क्या आप रिवीजन में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये नहीं। उसमें ये भी कहा गया है कि अगर ज्यूडिशियल पॉइंट पर मान लीजिए आप हमारे ज्यूडिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं कि आपका नहीं, लेकिन हम पाते हैं कि हमारा ज्यूडिक्शन है तो उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे। इसमें प्रावधान ये है कि नहीं, ट्रायल खत्म हो जाएगा देन अपील फाइल होगा, अपील में आप तुम उठाओ जो बात करना है, ट्रायल कंक्लूड होगा। एक अंतिम सवाल, आप डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर किए हैं तो आपका कभी इस तरह का केसेस का कमर्शियल केस का अनुभव रहा है कुछ, क्या कैसे आप मैनेज करते थे और कितने दिन लगे फैसला देने में अगर कोई नहीं सर केस? मैं 2016 में रिटायर कर गया, इसलिए 2000 चलिए कोई बात नहीं है। अभी उसके 2018 के बाद पोजीशन क्या है, झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट में कमर्शियल कोर्ट्स हो गए हैं, डिजिग्नेटेड हो गए हैं? झारखंड में लगभग सभी जगह सभी जिलों में कमर्शियल कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं और मेरे समझ से बहुत सारे जिलों में इवन झालसा में भी इसके प्री मेडिएशन का के केसेस आ रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि इसमें काफ़ी तेजी होनी चाहिए और झारखंड भी हमारा आगे बढ़ेगा। कुछ चीज़ें जो हैं कमर्शियल कोर्ट्स के आने से एक नई शुरुआत तो हम जरूर कहेंगे, जो सीपीसी में हम लोगों को दिक्कतें होती थी कि आप रोक नहीं सकते थे क्लाइंट्स को या वकील को, यहाँ पर वो रोकने का काम पीओ को दिया गया है। इससे पीओ हमको लगता है कि अपने जो उनके पास सामर्थ्य है और जो जितनी सोच है सभी का इस्तेमाल करेंगे। कानून की बात में आज तो बस इतना ही,
अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।